हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं और ये आशा करते हैं कि आप सारे लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसके बाद अपने सारे दोस्तों से बताइए। चैनल का नाम है स्टडी विथ आशीष, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे दोस्तों को बताइए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चलिए साहब, तो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि अंतिम मुगल बादशाह सम्राट जिनका नाम था बहादुर शाह, इनको हम लोग कहते हैं जफर, बहादुर शाह जफर भी कहते हैं इनको। तो बहादुर शाह जफर जो थे, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि उनके पिता का क्या नाम था। तो अगर बहादुर शाह जफर के बारे में हम लोग बात करें, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब 1857 में गदर विद्रोह होता है, तो उस गदर विद्रोह में सैनिकों के द्वारा दिल्ली के नेतृत्व की जिम्मेवारी इन्हीं को सौंपी जाती है और इनके पिता का नाम अकबर शाह सेकेंड था। और एक बात ये भी याद रखिएगा, ये वही अकबर सेकेंड हैं जिन्होंने राजा राम मोहन राय को, जिनको सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाले कौन थे, तो ये थे अकबर सेकेंड और इनके बेटे बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह माने जाते हैं। 1857 में जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ था, तो उसी में के बाद इनको कहाँ भेज दिया गया था, तो इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था, इनको रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक साहब, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सवाल नंबर 2 है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो अगर भगवान महावीर के बारे में देखें, तो इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जामाली थे। क्या नाम था उनका? जामाली। तो इनके प्रथम शिष्य जामाली थे। अगर हम लोग देखें तो जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी ये अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, और जबकि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अब अगला, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था, यानी न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ऋषि थे। कौन था? तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ऋषि थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 में किसने, यानी 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाने वाले थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर और 1862 तक भारत में रहते हैं। 1858 के एक्ट के द्वारा इन्हीं को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया जाता है। ये भारत के पर नियुक्त किए गए थे, तो पहले वायसराय नियुक्त किए गए थे। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, पांचवा सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा जा रहा है कि सोनगिरी, जहां 108 ऋषि मुनियों, जैन मुनियों के मंदिर बने हुए हैं, वो किसके सन्निकट स्थित है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दतिया। अब अगला क्वेश्चन, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अंतिम उदाहरण है, ये कहां पर स्थित है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। फिर कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? तो इसके प्रथम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे। कब बने थे? तो जब मीटिंग होती है 1887 में। कहाँ मीटिंग होती है? मद्रास में। तो जब 1887 में मद्रास में मीटिंग होती है, तो अध्यक्षता कौन करता है? बदरुद्दीन तैयब जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो नौवां क्वेश्चन है, नौवें क्वेश्चन में कहा गया है कि 1921-22, देखो साहब इसको 1921-22 नहीं, इसको 1920-22 कर दीजिए। 1920-22 में असहयोग आंदोलन का प्रतिफल क्या था? तो अगर इसका प्रतिफल हम देखें, तो बेसिकली इसका प्रतिफल है हिंदू मुस्लिम एकता। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो ये आंदोलन शुरू होता है,
ये शुरू होता जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। इस 13 अप्रैल 1919 को होने वाले जलियांवाला हत्याकांड के प्रतिशोध का बदला लेने के लिए जो आंदोलन शुरू किया गया उसी आंदोलन को क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन। और यह ख़त्म कैसे होता है, तो ये ख़त्म होता है जब 5 फरवरी 1922 को क्या किया जाता है, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है। इसी के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी इस आंदोलन को बंद कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था, तो इसका आंसर हो जाएगा एकेश्वरवाद। अब अगर ब्रह्म समाज की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया था 1828 में। किसने इस्टेब्लिश किया था इसको, तो इस ब्रह्म समाज को इस्टेब्लिश करने वाले का नाम है राजा राम मोहन राय। किसने इस्टेब्लिश किया था, राजा राम मोहन राय ने इस्टेब्लिश किया था। तो ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है, एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन, कब हुआ था कराची अधिवेशन, 1931, इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो इसकी अध्यक्षता करने वाले थे वल्लभ भाई, इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा आंसर आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। इसी में पहली बार मूल अधिकारों की मांग रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो इसमें कह रहा है 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। अब अगर इंडियन ओपिनियन की हम लोग बात करें तो इंडियन ओपिनियन जो है ये था महात्मा गांधी जी का, मोहनदास करमचंद गांधी इसको पब्लिश करते थे। ये अंग्रेजी में भी था, गुजराती में, तमिल में था, इसका आंसर उर्दू होगा। फिर कह रहा है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व तो महात्मा गांधी ने नहीं किया, तो इसमें से आपको बताना किसका नहीं किया, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बारदोली हुआ था 1928 में, और इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था, तो आंसर हो जाएगा बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अगला, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना, यानी आपको ये बताना है कि किसका शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था, तो इसमें हम लोगों का आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी बेसिकली स्टार्ट कब होता है, तो ये स्टार्ट होता है 7 अगस्त 1905 को शुरू करते हैं, जब बंगाल विभाजन की उद्घोषणा 20 जुलाई को लॉर्ड कर्जन कर देता है, तो इसी के विरोध में मणिचंद नंदी क्या बुलाते हैं, कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग बुलाते हैं, उसके बाद इसको प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी होगी, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फर्मी मीटर। विल्हेम रॉन्टजन ने आविष्कार किसका किया था, तो अगर हम लोग देखें कि विल्हेम रॉन्टजन ने किसका आविष्कार किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्सरे मशीन। बिजली बल्ब का तंतु बना होता है, इसमें हो जाएगा आंसर टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको मैच करना है, 20वां क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें यूनिट दी गई हैं, इसको मैच करना है लिस्ट वन लिस्ट टू की सहायता से, यानी कुछ भौतिक राशियाँ दी गई हैं उनकी यूनिट दी गई है, तो कुछ भौतिक राशियाँ हैं फिर उसकी यूनिट से इसी को मैच कर देना है। तो अगर त्वरण की बात करें तो एफ इक्वल टू होता है एम इंटू ए, यहाँ से ए आपको निकालना है त्वरण, इसमें त्वरण या ऐसे दिखा सकते हो, त्वरण इक्वल टू होता है वी माइनस यू अपान टी, इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, फिर इसका हो जाएगा सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये होना चाहिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो त्वरण का किससे मिल जाएगा, त्वरण का आपका मैच हो जाएगा चौथे से मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर देखो बल, तो देखो अब इसमें से पहला आंसर मिलाना चाहो तो तुरंत मिल गया, देखो चौथा ये मिल रहा है सी वाला। अब देखो फिर क्या कह रहा है, अब इस बल, तो बल का क्या हो जाएगा न्यूटन। फिर कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू होता है
एफ इंटू डी। कार्य क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन को ही कार्य कहते हैं। अगर विस्थापन नहीं हो रहा है यानी कार्य, तो कार्य होना नहीं माना जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आप चाहो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आपका यूनिट हो जाएगा जूल। फिर क्या बच्चा? आवेग, आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। तो आपका मैच क्या कर गया? सी। अगला, टाका एक मिश्र धातु है, तो टिन और शीशे का। फिर कह रहा किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? उसका टेम्परेचर, उसका ताप। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध है? 24 याद है, आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। इसमें से आर्टिकल 23 में किसका वर्णन किया गया है? दास प्रथा को ख़त्म कर दिया गया है, ट्रैफिकिंग को ख़त्म कर दिया गया है। 24 में हैजार्डस फैक्ट्री में बच्चों को नहीं लगाया जाएगा, इसी के तहत चाइल्ड लेबर को भी क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है, बाल श्रम। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जी बी मावलंकर। याद रखिएगा कि जब 24 जनवरी 1950 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको क्या बना दिया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। तो उसके बाद जब ये अंतरिम संसद की तरह हमारी संसद, हमारी संविधान सभा काम करती रहती है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जी बी मावलंकर। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन बनते हैं? जी बी मावलंकर बनते हैं, और इनके खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव भी आया था। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। तो जब खुद कह रहा है राष्ट्रपति पद्धति में किसमें निहित होंगी, तो सीधे हम लोगों का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अपने आर्टिकल नंबर 52 में इस बात का वर्णन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 ये कहता है कि सभी कार्यपालिका के सभी संवैधानिक शक्तियाँ किसमें निहित होंगी, तो राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देखिए 26वां, तो इसमें दिया पहला, भारत में भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, नहीं। अगला, भारत में नाम मात्र का राजतंत्र है ही नहीं, भारत में कुलीन तंत्र है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल दिया हुआ कि निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म में लोकसभा में सीटें समान हैं? अब देखो, अगर इसमें हम लोग देखें तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये पहले वाला आंध्र प्रदेश का दिया है। अगर इसमें चूज करेंगे तो यही डी लगाना पड़ेगा, लेकिन अब जब से बंटवारा हो गया 2 जून 2014 को, जब से तेलंगाना बन गया आंध्रा से कट के, तब से आंध्रा में सीटें कितनी बची हैं? अब मात्र सीटें बची हैं 25, और पश्चिम बंगाल में सीटें कितनी हैं? 42। तो ये पहले के हिसाब से मैच था, लेकिन अब नहीं रहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन? अगर हम लोग संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो ये आर्टिकल 108 में है, और कौन बुलाता है मीटिंग? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति बुलाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी मीटिंग बुलाई जाती है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर के द्वारा किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्पीकर करता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है क्योंकि, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया था। किसको? मूल विशेषता यानी मूल ढांचा जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। क्लियर है एकदम? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये कब बना? 1955 में। पहले बनाया गया था 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 से किस नाम से जाना जाने लगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर एकदम? अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा एक अप्रासंगिक है? तो इनमें से कौन सा एक अप्रासंगिक है? अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें हम लोगों का आंसर हो जाएगा, जो अप्रासंगिक है, सैप्स। आंसर टिक करो इसमें, सैप्स, सैप्स लगाइए। उसके बाद दिया गया है, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी होती है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ब्याज की अदायगी। फिर गेहूं की सिंचाई खेत अतिक्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? ताज निकलने की अवस्था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार, इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी एन राव। कौन थे? बी एन राव। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्लासिकल संस्कृत शब्द में, यानी क्लासिकल संस्कृत शब्द जो था,
इसके अनुसार आपको बताना आर्य शब्द का क्या अर्थ है, तो एक उत्तम व्यक्ति। उपनिषदों का मुख्य विषय अगर हम लोग देखें तो उसमें क्या है, दर्शन। फिर कह रहा है निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को लागू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। फिर कह रहा है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य और एकता की कमी थी, प्रायः सभी भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया था, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। इसमें आंसर उपयुक्त सभी लगाइए जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन इसमें से सूफी संत थे, तो अगर सूफी संत की बात करें तो एक तो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, फिर कौन हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो एक तो आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, एक तीसरा जिसमें हो तो दूसरा और तीसरा यानी सी हो जाएगा। फिर कह रहा है भारत में स्वतंत्रता के पूर्व काल में किन घटनाएं घटित हुई थी, तो इसमें आपको बताना इसको सिक्वेंस से मैच करना, तो लखनऊ पैक्ट अगर देखोगे तो 1916, द्विशासन का प्रवर्तन तो एक देखा जाए तो 1919 में है, रोलेट एक्ट ये भी 1919 में है, फिर कह रहा है बंग भंग तो ये 1905 में है। तो अगर हम लोग मैच करें सबसे पहले कौन सा आएगा, बंग भंग 1905 यानी पहले आएगा चार, फिर चार के बाद क्या आएगा, फिर चार के बाद में आपका आएगा एक, तो चार के बाद एक आंसर सीधे मैच किया कौन सा बी, 4-1-3-2। अब अगला देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो लॉर्ड कार्नवालिस स्थाई बंदोबस्त कब शुरू किया था, 1793 में। ब्रिटिश इंडिया कुल कितने भूभाग पर, 19, ब्रिटिश इंडिया के 19% भूभाग पर इसको लगाया था, और इसमें टैक्स की रेट क्या थी, इट वाज नॉट फिक्स्ड, ये निर्धारित नहीं थी। ये किस पे छोड़ दिया गया था, तो ये जमींदारों पे छोड़ दिया गया था, वो जैसे चाहें वैसे वसूली करें, बस केवल निश्चित रकम ये ले लेते थे, और इसी को क्या कहते हैं, इसी स्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त का नियम भी कहते हैं। ठीक है साहब, तो चलिए इतना क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करते हैं, और आप सारे लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे खास बात यह है कि अब हम पर डे आपको कुछ सीरीज देंगे, सारे क्वेश्चन देंगे, आप लोग अच्छे से उसको देखिए और तैयार करते रहिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।